मनीष भाई। दोस्तों मनीष भाई जी, आज ये कौन सी जगह पे लाए यार, जबरदस्त जगह है। ये एक बड़ी एसोसिएशन बनने वाली है जो अश्वों से जो भी काम और जिस टाइप का चाहते हो उस टाइप का एक ग्रुप बन जाए, उस प्रकार की एक बड़ी कमेटी यहाँ डेवलप होने की तैयारी चल रही है और हम उसके हिस्से हैं। आइए। आनंद सर हैं, मोहित इज मोहित जी आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दीजिए बाद में। जस्ट अ मोमेंट। वागरथ विव संपृक्त वागरथ प्रतिपत्त ये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अश्वा मे अग्रतः सन्तु, अश्वा मे सन्तु पृष्ठतः, अश्वा मे हृदये सन्तु, अश्वमध्ये वसाम्यहम्। मंचस्थ महानुभावान् ज्येष्ठान् श्रेष्ठान् प्रणम्य सर्वान् नमस्कृत्य किंचित विवस्व समुपस्थित अस्मि। इसके आगे मैं हिंदी में बोलूंगा। 2018 से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, एंट्रेंस पास की थी पीएचडी में। मेरा एजुकेशन संस्कृत में रहा है 8वीं से, सो मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है ये मैं स्पष्ट कहूँगा, पर एक आनुवंशिक भी है जो हमें अश्व प्रेम जगाता है। आज जैसे सर ने कहा कि हम आगे यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं आके, तो इसके पीछे का पर्पस है कि अश्व ये नहीं है तो आज शायद हम इकट्ठे नहीं हुए होते। तो उसके लिए जो प्रेम है वो प्रेम के
होने के बावजूद उसके बाद में ये विषय लिया मैंने, और बेस मैंने रखा शालिहोत्र का, क्योंकि जब भी हम कुछ भी सर्च कर रहे थे तो शालिहोत्र उसमें आ रहा था, तो वो भी मैंने स्क्रिप्ट मिल नहीं रही थी, वो अभी जस्ट सॉल्व किया मैंने, रोहन सर को दिखाया था वो, कि वो सॉल्व करने में भी बहुत टाइम लगा। और आज मैंने सर से भी यही क्वेश्चन इसलिए कहा कि क्या हम हमारे देसी घोड़ों को आगे ला सकते हैं या नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन हर बार माइंड में था जब वो मैन्युस्क्रिप्ट में सॉल्व कर रहा था कि यार ये सब हो रहा है, बट हम जैसे ही देखते हैं, हमने महालक्ष्मी रेस को उसका उस्मान सर थे 2017 में जिमखाना रेस, और इंडिजिनियस हॉर्सेस को मैंने दौड़ते देखा रेस ट्रैक ऊपर, वो फक्र की बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने जब भी रेस कोर्स की रेसेस देखी थी, डर्बी देखे थे तो मैंने थोरोब्रेड्स ही देखे थे, जंपिंग की जब बात कर रहे थे तब हम वॉर्म ब्लड ही देख रहे थे, और लास्ट ये जो ओलंपिक हुआ तब भी, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था सर कि क्या हम ये सब कर रहे हैं और हमारे पास हमारे देसी घोड़े हैं जो कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे। और सर ने ये भी कहा कि आप अपने घोड़े से प्यार कीजिए, हमारी संस्कृति है। मैंने अभी एक रिसर्च पेपर तैयार किया है, तो उसमें युग युगीन अश्व ऐसे करके नेम है, उस टॉपिक पे मैं लिख रहा था और ढूंढ रहा था, तो मैंने देखा कि जो हमारे वेद हैं उन वेदों में स्पेशली सूक्त दिए गए हैं। सूक्त मीन्स जो कि पूरे अध्याय रहते हैं, जिनको हम जैसे भगवद गीता देखेंगे तो हम अध्याय बोलेंगे, वैसे ही ऋग्वेद में सूक्त हैं, और लिटरली ऐसे सूक्त हैं जिनमें अश्वों की पूजा का लिखा गया है, जिसमें वर्णन है कि हमारे अश्व जो हैं उनको हमें पूजना है। मीन्स पूजना मीन्स कि आरती करनी है, ये वो नहीं, उसको हम कैसे तैयार कर रहे हैं, जैसे कि हमने बात की सर आपने कि हमको ऐसे उसको तैयार करना है, तो वो तैयार करना भी वो एक पूजा है, उसको हम उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं अच्छे से, उसको अच्छा सा फूड दे सकते हैं, ये सब उसमें लिखा है लिटरली, क्योंकि वो उस टाइम पे हम सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए ही यूज़ नहीं करते थे घोड़ों को, हम सभी चीज़ों में घोड़ों को यूज़ करते थे, वो चाहे खेती हो, ट्रैवलिंग हो, तो ये सब मैंने देखा, तो मेरे को उस टाइम पे ये फील हुआ कि इंडिजिनियस सोर्सेस भी अगर ये कर सकते हैं तो क्या हम उन्हें तैयार कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद मैंने मेरे को किसी एक दोस्त ने कहा था कि कुरान शरीफ में भी वर्णन है उसका, और हम गुजराती में उसको बोलते हैं पीराई प्राणी, ऐसा अश्व जो कि उसमें भी वर्णन है, तो हमारी संस्कृति में यह था, और कहीं ना कहीं हम आज भी इसलिए हैं क्योंकि ये हमारी संस्कृति में है, हम यूज करते हैं उसको। और वो भी आप देखिए कि कार की बात होगी तो कितनी हॉर्स पावर की है, हम ये बोलते हैं, तो ये बहुत मैं भी एक खुशकिस्मत इंसान हूँ कि आप सभी लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच।